हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला, ये क्वेश्चंस मैंने अर्षा अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस और ये चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज 14 है। क्वेश्चन नंबर 29, नाउ सी द क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स एंड 9 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखिए क्वेश्चंस में एक चीज है, इसमें कम्प्लीमेंट्री, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल, एक चीज है। दूसरा चीज इसमें क्या, इसमें कम्प्लीमेंट्री दिया, दूसरा चीज दिया है कि जो टावर्स का हाइट है वो हमको शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि वो 6 मीटर्स है। और जो दो ऑब्जर्वेशन है वो कितना टावर से कितना कितना दूरी पे है, 4 मीटर्स और 9 मीटर्स के दूरी पे है। तो चलिए हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए ये भी एक, मान लीजिए ये भी टावर है, ये भी टावर है, मान लीजिए ये टावर है ये भी। अब देखिए ये टावर का बेस है, तो वो क्या करता है, एक एक जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना टावर से 4 मीटर्स की दूरी पे है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक 4 मीटर्स की दूरी पे है, मान लीजिए सी, तो ये कुछ एंगल बनाएगा टॉप ऑफ द टावर्स का। तो ये मान लीजिए कुछ एंगल बनाते हैं और एक है मान लीजिए यहाँ पे सी डी पे, डी पॉइंट पे है वह, इसका इसका दूरी कितना है, दैट इज 4 मीटर्स है। और इसका जो दूरी है ये कितना है, 9 मीटर्स के दूरी से, दूरी पे है, कहाँ से, टावर से। तो ये भी कुछ एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ बनाएगा एंगल। तो मान लीजिए ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, और दोनों जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, बोथ ऑफ देम आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल मिलके कितना होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो मतलब देखिए पहले कि पहले हम लोग ये यहाँ पे लिखते हैं कि सम सम ऑफ टू एंगल्स, TNGL, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कॉल कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अब देखिए मतलब क्या आ गया, एंगल एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, एंगल ए सी बी को थीटा मानते हैं, एंगल ए सी बी को थीटा मानते हैं, प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना है, इसको 90 मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा एंगल ए डी बी इक्वल टू हाउ मच, सॉरी 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया मेरा एंगल 90 माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं ना, इन ट्रायंगल क्या लेते हैं, ए सी बी, तो क्या लेते हैं, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इसको मैं एच मान लेता हूँ, तो 10 थीटा एच बाय 4, ठीक है। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया ना, इन क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी लेते हैं, तो 10 ADB, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच, दैट इज एच बाय, ये टोटल कितना है, 9 है, 9 लेते हैं। तो हमको पता है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच, दैट इज कॉट थीटा, यस या नो, तो कितना एच बाय 9 होता है, 9 हुआ, ठीक है। अब हमको पता है कि कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बाय 10 थीटा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू एच बाय 9 लिख सकते हैं, यस या नो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो एच 10 थीटा इक्वल टू हाउ मच, 9 हो गया, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, 9 बाय h लिख सकते हैं, यस या नो। तो आप देखिए ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ इक्वेटिंग व्हाट, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है।
अब यह क्या हो गया, एच बाय फोर इज इक्वल टू 9/h हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 9×4=36। तो एच इक्वल टू क्या गया, रूट ओवर 36 हो गया। तो एच इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया। तो एच इक्वल टू हम 6 पॉजिटिव प्लस 6 कंसिडर करेंगे, माइनस 6 नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी हाइट नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग को क्या प्रूव करना था कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हम लोग का हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 6 मीटर, 6 मीटर्स हो गया। सो ना दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।